आजकल ये सुनने में आ रहा है कि कोई बोल रहा है गला खराब है, खांसी सर्दी हो रही है, खींच खींच गले में हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, कान दुख रहे हैं, क्योंकि गला नाक कान ये तो सब कनेक्टेड हैं ही, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम। अब ये जो गले की खराश, इस पर योग सीधी बात कहता है। योग कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम जब शरीर पे आता है ना, तब यूं ही नहीं आ जाता, आपको सिग्नल देता है। फर्स्ट सिम्टम जब कोई भी डिजीज़ की हो, कोई भी रोग का होना, उसको पकड़ें, ध्यान दें अपनी ओर। जब आपका ध्यान जाएगा तो समझ में आएगा गले में खराश होने लगी, वो तालू है ना हमारा, वो तालू पर खुजली चल रही है, एलर्जिक, तो ये सब सिम्टम है। और दुखना, जब खाना खा रहे हैं तब थोड़ा गला दुखता है, कभी कभी बुखार आ रहा है, अब करना क्या चाहिए? सबसे पहला तो ये है कि थोड़ी गर्मी बढ़ाएं शरीर में, और उसके लिए ज़रूरी है कि गर्म पानी, उसमें नमक डालकर और उसके गरारे करें। जल लेती भी कर सकते हैं अगर आती हो तो, लेकिन गरारे तो ज़रूर करें। खाना खाने के बाद इमीडिएटली खाते से ही आधा गिलास गर्म पानी पी लें, जब गला खराब हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, होने के बाद भी ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये करें कि आप ज़रा बोलें कम, क्योंकि बोलने में गला और ख़राब हो जाता है, और ज़ोर से तो कभी भी ना बोलें, गला बिगड़ेगा। जब आप ट्रैवल करते हैं तब मुंह बंद रखें। अब जैसे रिक्शा में जा रहे हैं तब पोल्यूशन सीधा गले से अंदर आता है, देखा आपने, लोग ऐसा सांस ले ले के बोलते हैं, मुंह खोल कर फास्ट फास्ट बोले चले जा रहे हैं, पोल्यूशन सब गले पर सीधा जाता है, जबकि नाक से सांस लेनी चाहिए, मगर नहीं होता, आप बोल रहे हो तो वो बोलना बंद करें। ज़रूरी है कि हम खाने में ध्यान दें। अब जब सब गड़बड़ी है तब तली हुई चीज़ें तो मत खाओ, बहुत ही तीखी और मसालेदार चीज़ें मत खाओ, ज़रा उबली हुई सादी चीज़ें खाओ और उससे फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा नींबू पेट में जाना चाहिए, अदरक पेट में जाना चाहिए, एक पानी को अदरक में, हरी चाय की पत्ती में, काली मिर्ची में पानी को अगर उबाल लिया जाए और वो पानी में नींबू डालकर अगर पिया जाए तो ये गले को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। ये सारी कोशिशें हमें करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, और आप देखोगे कि ये बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जो गलत हमारी विचारधारा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली गलत विचारधारा है कि ये इन्फेक्शन है और लोगों का इन्फेक्शन लग गया। इन्फेक्शन योग कहता है कभी नहीं लगता, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति अगर स्ट्रांग है, अगर अच्छी है, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और वो तभी संभव है जब आप अच्छा खाएंगे और अच्छा सोएंगे। आपको पता है कि जब भी प्रॉब्लम शुरू होता है, एक घंटा या दो घंटा ज़्यादा सो जाना चाहिए रात को, तो ये अगर करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी हमारी। दूसरी मिथ है कि जब गला खराब होता है क्योंकि ठंडी के दिन होते हैं तो खराब होता है, वो भी गलत है। कभी भी गला खराब हो सकता है, अगर आप गलतियाँ करते हो, ठंडा ठंडा आप पी लेते हो, गला खराब होना ही है। शरीर के अंदर अमुक टेम्परेचर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप समझो कि एक टेम्परेचर हम लेते हैं ना, वो कम वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेके खाना खाया जाए, बहुत गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं। तो ध्यान दें, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, मुंह में उसे पिघलने दें और फिर धीरे से गले में उतारें, और वो भी उसके बाद गर्म पानी पी लें तो आप आइसक्रीम एंजॉय कर सकोगे, लेकिन ठंडा पेय बर्फ़ डालकर कभी भी नहीं लेना है। योग के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है गले की चीज़ों को सही रखने के लिए। खराश वराश हो जाए तो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो है सिंहासन। भुजंगासन, धनुरासन करिए,
त्रिकोणासन, त्रिकोणासन नंबर 3 करिए। प्राणायाम नंबर 4 करें। भ्रामरी प्राणायाम, सारी चीजें हमें करनी है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। ये सब सुनने के बाद में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी रोग के बारे में जानना हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर जरूर देंगे। इसी तरह तो हम मिलते हैं। नमस्कार।